हमीरपुर जनपद के राड कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर एक पखवारे से निरंतर हो रही चोरियों का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां पर पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे UP24 न्यूज के विशेष संवाददाता सीतू सेंगर हमीरपुर से जुड़ गए हैं। सीतू, यहाँ पर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जी, मैं आपको बता दूं कि आज पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी हुई, जो निरंतर यहाँ पे रात में चोरियां हो रही थी, जिससे कि पूरे रात में दहशत का माहौल था, आज पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी हुई है। और जब उनसे बात की गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा और कबूला कि हाँ, ये चोरियां उन्होंने की है। और उन्होंने बताया कि उनका टारगेट रहता था केवल वही दुकानें जिसमें कि छोटे ताले लगे होते थे और सेंटर लॉक नहीं लगा होता था, क्योंकि जो उनके पास औजार था, उन्होंने बताया चाहे जितना भी बड़ा ताला लगा हो, उनको खोलने के लिए उन्हें मात्र 10 से 15 सेकेंड लगते थे। और वो जो चोरी करते थे, उनकी जो चोरी का टाइमिंग था वो 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में होता था। और मैं आपको और बता दूं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने यह बताया कि हमीरपुर में उन लोगों को यह पता था कि हमीरपुर में जो उपचुनाव चल रहा है उसको लेके सारी पुलिस हमीरपुर में व्यस्त होगी, तो वो रात को उन्होंने निशाना बनाया। जी बिल्कुल है सीतू, अगर बात करें जहां एक और कस्बे में लगातार चोरियां की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सीतू, ये कहां के लोग बताए जा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, ये दोनों के दोनों अभियुक्त उरई के बताए जा रहे हैं। और मैं आपको इसकी और जानकारी दे दूं, ये जो दोनों अभियुक्त हैं, इनके घर वालों ने ऑलरेडी पहले से ही कह के रखा है, और इसको अदालत में भी उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए हैं कि इन्हें इन बच्चों से कोई भी मतलब नहीं है, ये शुरू से ही खुरापाती टाइप के रहे। जी सीतू, एक बड़ा सवाल कि जहां पर एक और पूरे रात में चोरों के आतंक से लोग परेशान थे, यहां पर कौन कौन से ऐसे सिपाही रहे जिनको ये सफलता हाथ लगी? जी, मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर देखी जाए तो निश्चित तौर पर थाना प्रभारी मनोज शुक्ला के नेतृत्व में है, और उनके नेतृत्व में बनाई गई एक टीम जो कि हल्का इंचार्ज देवेंद्र SI, उनके साथ में थे गौरव चौबे, कांस्टेबल उमा शंकर शुक्ला और कांस्टेबल ब्रजेंद्र, जिन्होंने की दिन रात मेहनत करके ये सफलता हासिल की। जी सीतू, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ के हो? कितनी दुकानों की चोरी की है? 12 दुकानों। कितना सामान था तुम्हारे पास? कुछ नहीं सर, जो हल्के के तारे होते जो ढीले डाले वे हम लोग तोड़े। अब हमने देखा कि इधर उधर हमीरपुर में बहुत अच्छे चुनाव में हमने सोचा पुलिस सब उतरी चली गई, तब हम देख लेते हाँ जी हल्का फुल्का ताला वो ताले तोड़ देते सर। तो पुलिस का डर नहीं रहता था जो गश्त घूमती थी? रहते थे सर, दुखे रहते थे हम लोग, जो बजरिया के सामने तालाब है उसमें दुख जाती थी, तब पुलिस निकल जाती थी तब करती थी। ये चोरी लगभग कितने समय करते थे तुम लोग? ये 1-1.5 के बीच में। 1-1.5 के बीच में।